प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने, जुलाई माह में होने वाले वृहद वृक्षारोपण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जुलाई माह में होने वाले वृहद वृक्षारोपण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा में व्यवस्था कराई जाए, जॉब कार्ड बनाए जाएं, इसके अलावा अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जाए। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि वृक्षारोपण में छायादार वृक्षों के साथ फलदार और उपयोगी पौधों को भी लगाया जाए, जिससे भविष्य में उसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा सके। अब पूरा ब्रह्मपुर इलाका तो पूरा फ्लड एरिया तो बहुत तालाब है। आपको आगे भी तो सोचना है, छाया ही थोड़ी ना देनी है हमें, हमें हर चीज में पैसा देखना है। क्यों नहीं हो सकता बैंक को जरा बताइए। आजीविका की जो मिशन की बीज है या जो भी ऐसे चीज है उनको यदि आपने ट्रेनिंग दे दी तो वो कल से बैम्बू के छोटी छोटी चीजें बनानी शुरू कर दें। बिल्कुल बंद हो जाए, अभी ये आ गया हमारा फोकस, डी फोकस हम हो गए। Put it now in the ground अभी से कि 5 साल बाद जब जरूरत हो तो वो समय मौजूद है। तो वो प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए, तो इसीलिए बहुत डिस्कशन करनी पड़ती है उनके साथ। प्रॉब्लम क्या है कि भाई कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अब सहतूत में सबसे बड़ी समस्या जूले की होगी और बैम्बू आप कल्टिवेट करेंगे। मैं सहतूत मना नहीं कर रहा हूँ, सहतूत भी करिए बैम्बू भी करिए, लेट्स लर्न। बट कायदे से हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट 2 साल में 3 साल में हम सारे फिशरी के पॉन को जो है एम्बैंकमेंट पर बैम्बू लगा देंगे, सहतूत लगा देंगे। वो बैम्बू को कुछ होना हमारा नहीं है। ठीक है सर, डेली साहब आते हैं उनसे डिस्कस करते हैं। बैम्बू